कलर परसों क्यों क्लास लगेगी लगेगी क्या रहेगा फायरवॉल है इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर है फायरवॉल कल से स्टार्ट हो गया सर वो लैंप लैंप भी होगा लैंप हो गया लैंप सर्वर भी है लैंप सर्वर छोटा सा ही है ओपन फायर अब सर थोड़ा मजा आ रहा है क्या सारी चीजें क्लियर हो रही है अब करने सारा भी चल करके बैठेंगे बेसिक वाले चीज ऐसे हाथ में रहते हैं बड़ा अच्छा लगता है तो भी क्या बोले चल गया मेरे ऊपर आते बोले लेके सर सबसे अच्छी चीज ये लगी कि कोई कमांड याद करने की जरूरत नहीं पड़ी मतलब इस तरह से दिमाग में फिट हो गए कि ये चीज यहां पे लगेगी वो चीज यहां पे लगेगी क्या अगर डिजाइन कैसे करूं और सर वो ट्रांसपोक्सी का काम कहाँ पे होता है मैंने कल एडी वाला कर रहा था एडी वाला हुआ ही नहीं मेरे से तो तू क्यों जा रहा है एडी में अभी अरे नहीं ऐसे मैं वो सब जितना था वो खत्म कर दिया सर उसमें टाइम वाला नहीं हुआ तो एडी अभी जाना नहीं है तो एडी है ही नहीं तेरे पास तो कहाँ से जाएगा तू एडी अभी एडी होना चाहिए ना विंडोज सर्वर जितना था सर वो कर लिया बस वो टाइम वाला नहीं हुआ बाकी तो फिर कुछ मिल नहीं रहा तो वही कर रहा एडी सर्वर तो होना चाहिए ना एडी सर्वर बैटरी से मेरे पास वाईफाई नहीं था मैंने तो अपना मोबाइल ब्लॉक करने का हर कोशिश कर रहा था ठीक है इसमें ओपन फायर एक साइट है उसमें सर एडी में ये होगा ना कि जो एडी से जो इंटरनेट चलेगा उस पर प्रॉक्सी लगेगा ऐसा कुछ है बताओ करवाएंगे इसको ये ओपन फायर है वहाँ से डाउनलोड करोगे डाउनलोड में जो आर पी एम डाउनलोड है ओपन फायर है ना ये इसका सर्वर है और ये क्लाइंट है स्पार्क इसका क्लाइंट है मतलब जो स्काइप का क्लाइंट होता है ना वो स्पार्क है मेरे पास यहाँ विंडोज में ऑलरेडी लोडेड है स्पार्क स्पार्क मतलब ओपन फायर क्लाइंट है ना हाँ बाकी दूसरे क्लाइंट पे भी आप कर सकते हो तो गोपाल ने काफी अच्छे से किया हुआ है मैं तुम्हें इंस्टॉल करना बता रहा हूँ वो तुम्हें लैब करा देगा ठीक है एक लैपटॉप और ले आओ किसी का है अमित का और क्या हुआ है ले आओ कनेक्ट करो तो यहाँ लिनक्स के लिए यहाँ आरपीएम है यहाँ राइट क्लिक करेंगे और बिलिंग लोकेशन और ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं ऑलरेडी इसमें लोडेड है ये ऑलरेडी है ना तो अब इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं लगा दें इतनी लगा देख क्या है तेरे लिए रुका हुआ है इधर रख इधर रख गिर जाएगा इधर रख अमित ये देखो इसमें डाउनलोड्स में जाएंगे ना तो ओपन फायर में डाउनलोड में जाना है तो लिनक्स में क्लिक करेंगे तो इतने सारे लिनक्स का वर्जन है ठीक है ना तो यहाँ आरपीएम अमित तेरे लिए दिखा रहा हूँ यार तुझको पता नहीं क्या देख ये राइट क्लिक करके कॉपी लिंक लोकेशन है ना और डब्ल्यू गेट करके करेगा तो ये डाउनलोड होगा ठीक है अब इसको आरपीएम माइनस आई वी एच कंप्लीट क्या मतलब एकेडमिक्स का कंप्लीट हो जाता है तो बहुत सारे चीजें हैं टूल्स प्लान भी हम करते हैं हम तो कराते नहीं थकते तुम करते करते थक जाओ नहीं सर थकेंगे यही करना ही है तो इसको करा सारे करते हम तो ये भी रेस्ट्रिक्शन नहीं करते कि यार अपर क्लास में नहीं बैठ सकते तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीखो यार
टांग में दर्द हो जाती है तो क्या कर सकते हैं, फरदावत दूर पड़ता है, आता नहीं है, आता नहीं है, बोलता है है अच्छा ये हो गया। अब ओपन फायर जो है सर्विस बन गई, तो उसको हमें रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट ओपन फायर रिस्टार्ट में सर्विस ओके नहीं आए तो तुम इसको स्टेटस देख सकते हो। ओके नहीं आया तो क्या है, रनिंग दिखाएगा, ओपन फायर इज रनिंग, ठीक है। यूजरी नहीं ओके नहीं आया तो नहीं चलेगा। परमानेंट ऑन करने के लिए सी एच के कौन भी ओपन फायर ऑन पोर्टल लगा, ठीक है। ओपन फायर का नोट दिया होगा तुम आपको, पर ना MySQL पे कुछ नोट दिया है, ये बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, आजकल अपडेट हो गया है ना, तो ये हमने यहाँ से डाउनलोड किया, ये लगाया, ये ऑन कर दिया, 9090 में हमें खोलना है, ठीक है ना। तो हम अभी क्या करेंगे, http://192.168.0.143:9090 port ठीक है। अब आगे के इंस्ट्रक्शन ग्राफिकल है, सबसे पहले इंग्लिश है ना, नेक्स्ट, ठीक है। डोमेन नेम जो भी है रहने दो, ये जो भी आता है तुम्हारा जो होस्ट नेम है, होस्ट नेम है वही आएगा, ठीक है। तो एडमिन कंसोल 9090 है, सिक्योर एडमिन कंसोल 9091 है, क्या याद रखना है। नेक्स्ट करोगे डेटाबेस, दो चीज या स्टैंडर्ड डेटाबेस करोगे तो तुम्हें डेटाबेस का नाम बहुत आगे पूछेगा कि ओरेकल लेना है, MySQL लेना है, क्या लेना है। तो एम्बेडेड करोगे तो स्पार्क ओपन फायर का अपना एम्बेडेड डेटाबेस भी है, तो एम्बेडेड ले लो, है ना। HSQL ठीक है। प्रोफाइल सेटिंग अब क्या है, डिफॉल्ट लेना है, LDAP लेना है, LDAP से कनेक्ट हो जाती है। LDAP मतलब कोई जो सेंट्रलाइज कोई सर्वर है, अभी नहीं समझ पाए ना, LDAP भी करना है कल हम LDAP भी ले लेते हैं, है ना। LDAP सर्वर ले लेते हैं कल, LDAP इज ग्लोबल एड्रेस बुक, फिर देखते हैं, है ना। डिफॉल्ट डायरेक्टरी सर्वर ये है ना, तो डिफॉल्ट वाला चूज करना है। नेक्स्ट करो अकाउंट सेकंड करेंट पासवर्ड एडमिन ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी डाल दो, एडमिन ईमेल आईडी, करेंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, इफ दिस इज अ न्यू इंस्टॉलेशन करेंट पासवर्ड विल बी एडमिन, है ना, एडमिन, न्यू पासवर्ड इंडिया 123 रख रहा हूँ। करेंट पासवर्ड जो हमारा ओपन फायर का एडमिन है उसका, हां वो ऊपर में लिखा है, एडमिन रखो कंटिन्यू, वहां पे सर करेंट पासवर्ड भी पूछ रहा है, एडमिन डालो, 123 डालो, पहले लोड हुआ था, बोलो इसका न्यू पासवर्ड सर इसी का है, अभी डाला है, ये हेलो ईमेल एड्रेस कर दे, ठीक है। लॉग इन टू एडमिन कंसोल, दिस इज दिस, है ना, क्या डालोगे, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड आपने क्या डाला था, इंडिया 123 क्या, ठीक है। इसमें सारे पोर्ट्स इसमें दिया हुआ है, देखो
क्लाइंट टू सर्वर ये वाला पोर्ट है, क्लाइंट टू सर्वर ये वाला, ये दोनों है, सिक्योर है, एक वो है ना, नरेंद्र ने एडमिन कंसोल है, इसमें फाइल ट्रांसफर भी हो सकता है, फाइल ट्रांसफर FTP भी है इसमें है ना, HTTP बाइंडिंग सब है। जैसे किसी को फाइल ट्रांसफर रोकना है तो ये वाला पोर्ट रोक देना, फाइल ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, यूज़र अब इसको सारा देखना तुमने, यूज़र ऑलरेडी बने हुए हैं यूज़र है ना, क्योंकि पहले ये लोड कर चुके हो, इंटीग्रेट कर चुके। सर ये जो फ्रेश लोड करोगे ना, न्यू ओल्ड पासवर्ड नहीं पूछेगा तुम्हें, क्योंकि था ना पहले से, इसलिए पूछ रहा था। बोलो सर, ये जो वर्ड बाइंड एक्चुअली इसका मीनिंग मतलब इसमें क्या रहता है? बाइंड मतलब DNS, ठीक है ना, क्रिएट न्यू यूजर, ठीक है। अमित कुमार, ठीक है, पासवर्ड 123, कन्फर्म पासवर्ड 123। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो ये भी इस कंसोल को खोल सकता है ना, तो अभी नहीं कर रहा हूँ इसको, क्रिएट क्रिएट अनदर है ना। दूसरा ललित है ना, नेम 100 यूजर है तो 100 यूजर कैसे बनाएंगे? एक बार बता दो, यूजर अपना भी बना सकता है। मैं बना लेता हूँ, इसके बाद तुम्हें लैब में उसको कहता हूँ, तुम्हें ट्रेन करेगा, इसके ऊपर बहुत सारे R&D है ना। 1 2 3 भाई तुम समझो तो सही, लोड कैसे करना, ठीक है। रिलेटिव 2 यूजर हमने बना दिया, यूजर ग्रुप में आओगे तो 2 यूजर तुम्हारे, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो किसका सेशन कौन कौन चल रहा है, कौन कौन से ग्रुप बनाया है, क्या क्या प्लगइन्स है, ये सब लगा सकते हो, बहुत सारे हैं। जो OpenFire प्लगइन्स से करेंगे तो बहुत आम, ठीक है। ये तुम्हारा OpenFire का सर्वर तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद तुमने क्लाइंट लोड करना है, स्पार्क डाउनलोड करना है, स्पार्क विंडोज में डाउनलोड करना है। हाँ ऑब्वियसली विंडोज क्लाइंट है, यदि लिनक्स है तो लिनक्स के लिए करना है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यूजर नेम जो है लोड करने के बाद ऐसा आ जाएगा, ये खोलोगे तो है ना, जैसे हमने ललित किया, 123 पासवर्ड है, और सर्वर का नाम देना सिंपल 192.168.0.123 है ना। ऑनलाइन हो गया है ना, इधर इस बार क्लाउड लोड करो, डाउनलोड करो OpenFire, इस साइट पे जाओ, इग्नाइट रियल टाइम डॉट ओआरजी, OpenFire गूगल में सर्च करो, रेडी पैकेज है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। अब मैं शुरू में तुम्हें ऐसे ही बता दूं, तुम लोग कभी नहीं सीखोगे, बोलेगा साथ में क्यों सीखूं, R&D इस बहुत कुछ है, जो लोगों को बदलने का ऐसा वैसा भी होता है, सब बदल हो गया, कोई भी स्पार्क डाउनलोड कर लो। स्क्विड के सर मैंने देखा स्किन वगैरह सब आता है, बड़ा सारा होता है, मैंने किया था अपने घर में, सजाने में बड़ा मजा आता है। और सर वो जो WXM में थी उसमें स्क्विड के साथ सबसे पहला वाला जो ईमेल सर्वर है उसमें वो और अच्छा दिया हुआ रहता है। कौन सा? तीन है ना वो स्क्विड मेल है, हॉल्ट है, पहला वाला।
इसको ना बहुत पॉपुलर है क्योंकि उसके बहुत सारे प्लगइन मिल जाते हैं। मैंने देखा थीम वगैरह सब मिल जाते हैं, बहुत मिलते हैं। ऐड करो कॉन्टैक्ट्स, ऐड कॉन्टैक्ट है ना, अमित अमित है ना, ऐड करो तो अमित को गया होगा रिक्वेस्ट। यस करो, यस करो, ये तू क्यों भेज रहा है, तू यहां से कैंसिल कर। यस करो, आया होगा ना, यस नहीं आया, यहां नहीं है, ये हां आया, यस करो एक्सेप्ट अमित आ गया है, अमित को यहाँ पे मैं भेजता हूँ। आया आया तो सब हमारा स्लो है ना, नहीं नहीं आ गया है ना, है ना। वैसे फाइल ट्रांसफर करना है अगर कोई, तो यहाँ से फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, इनबिल्ट है ना फाइल ट्रांसफर, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो अपने से तो बनाए हैं। ग्लोबली करना है उसको, ग्लोबली आईपी ग्लोबल होना चाहिए, बस आईपी ग्लोबल होना चाहिए बस। अच्छा सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कुछ पहले मैं कहता वैसे ये देखो, ये स्क्रीनशॉट भेजने के लिए, जैसे ऐसे किया ना, जैसे कुछ प्रॉब्लम आया इतना भेज देना है, तो ये आ गया, चला गया उधर खोल के देख सकते हो, स्क्रीन भेज देंगे तो प्रॉब्लम डायग्नोस करते हैं, स्क्रीन लेके ट्रैक करते हैं ना, आईटी वाले को जैसे मेल कर ऐसे भेज दो, वो देख के बता देगा। हां ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स है, ये 7 में नहीं, गोपाल ने, हां बस वही है, हां गोपाल ने आरएनडी किया है, गोपाल ने गोपाल को आरएनडी करने के लिए बोला था, उसने बहुत सारा करके रखा है, तो वो तुम्हें बताएगा, ठीक है। क्लास ओवर, बहुत मजेदार क्लास है, क्यों?